नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पुराने लाभार्थियों के लिए एवं नए लाभार्थियों के लिए, जिसका नाम ऑलरेडी जो है पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिस्ट में शामिल है और जिसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उन तमाम सभी लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी जो है एक खबर निकल कर आ रही है आवेदन को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर। यहाँ सर्वे जो यहाँ पर किया जाएगा, ये सबसे बड़ी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है एवं बहुत ही बड़ा जो है ये बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर। आप सभी को जान लेना काफी बेहद जरूरी है। आप सभी का लिस्ट भी आप सभी को मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ कहाँ से और कैसे जो है 2022-23 का लिस्ट डाउनलोड करना है, 2021-22 का एवं 2022-23 का सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप जैसे मैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूँ, ये जो भी यहाँ पर बदलाव किया गया है और जो दिशा निर्देश जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश पर शुरू हुई जांच प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखिए, पुराने पीएम आवास पर भी महिला को मालिकाना हक। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि नए पीएम आवास की तरह अब उन पुराने आवास पर भी महिलाओं को उनका हक मिलेगा जो उनके पति के नाम पर आवंटित किए गए। आने की कहने का मतलब जो भी यहाँ पर नए जो अब पीएम आवास जो मिल रहा है पीएम आवास की तरह जो अब उन पुराने आवास पर भी महिलाओं को उनका हक मिलेगा जो उनके पति के नाम पर आवंटित किए गए। राज्य में 37% आवास ऐसे हैं जो अभी केवल पुरुषों के नाम पर है। अब इन आवास के मालिक के नाम में महिला का नाम भी जोड़ा जाएगा। आने की जो है जिसका यहाँ पर पुरुष के नाम से आने की पति के नाम से है, अब उनके साथ साथ पत्नी का भी नाम जोड़ा जाएगा और जो जिसका पत्नी का नाम है उसके साथ साथ जो यहाँ पर पति का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। अब इन आवास के मालिक के नाम में महिला का नाम भी जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब पुराने पीएम आवास में भी महिलाओं का नाम शामिल करने को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका जो है पहले ऑलरेडी मिल गया है पुराने यहाँ पर आवास योजना का लाभ मिल गया है। पति के नाम से मिला हो तो उसका पत्नी का नाम जोड़ा जा रहा है और पत्नी का मिला हो तो उसका पति का नाम जो है उसमें शामिल किया जा रहा है। साफ साफ बात है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब पुराने पीएम आवास में भी महिलाओं का नाम शामिल करने को अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि जो पुराने आवास पुरुष सदस्य के नाम पर आवंटित हुए थे महिलाओं का नाम भी उस आवंटन में जोड़ा जाए और मंत्रालय के दस्तावेज में उन्हें समान अधिकार वाले पारिवारिक सदस्य के रूप में दर्ज किया जाए। मंत्रालय के आदेश पर ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी डीएम एवं डीडीसी को आदेश जारी किया है। कहा गया है कि उन आवासों का सर्वे किया जाए जो पूर्व में आवंटित किए गए, यानी कि सभी लाभार्थियों को पुराने लाभार्थियों को यहाँ पर आवंटित कर दिया गया दे दिया गया है, उनके मालिक के रूप में केवल पुरुष सदस्य का नाम ही अंकित है। पुराना जो आवास जो दिया गया है उसमें सिर्फ जो है पुरुष का नाम जो है उसमें पुरुष सदस्य का नाम जो है सिर्फ उसमें शामिल है, उसमें महिला का नाम भी ऐड करने का कवायद जो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर यहाँ पर सर्वे भी किया जा रहा है। संयुक्त सचिव ने बताया कि NIC ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें उन परिवारों के महिला सदस्य का नाम भी मालिक के रूप में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट NIC को देनी होगी। ये सबसे बड़ी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है। अब जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर आप समझ सकते 63% आवास में मालिक के रूप में महिला सदस्यों का नाम है और आप सभी को मैं बताया कि 37% जो है यहाँ पर आवास पुरुष के नाम से है। अब NIC ने महिलाओं का नाम जोड़ने के लिए बनाया सॉफ्टवेयर। सर्वे का काम पूरा होने के बाद NIC को देनी होगी सारी रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए करीब 37% आवास है पुरुष के नाम पर। संयुक्त सचिव ने बताया कि मंत्रालय के आदेश पर राज्य में आवंटित 63% जो यहाँ पर आवास में मालिक के रूप में महिला सदस्यों का नाम जुड़ा है। पुराने आवंटित करीब 37% आवास के मालिक पुरुष ही है। संयुक्त सचिव कहा है कि इन परिवार में महिला सदस्य का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जाए, साथ ही उनका आधार कार्ड भी सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाए। मंत्रालय के आदेश के अनुसार महिला सशक्तिकरण जो है सशक्तिकरण की दिशा में यह ठोस कदम होगा। इसके लिए इसी माह सभी जिलों में अभियान चलाने एवं पुराने आवंटित आवास का ब्यौरा जुटाने का निर्देश जो है इसी मंथ में यहां पर दिया गया है। ये सबसे बड़ी जो है ये अपडेट जो है यहां पर निकल कर आ रही है। आप 2021-22 एवं 2022-23 का लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आप कहां से निकाल सकते हैं, उनमें कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर आप सभी को सर्च कर देना है। जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे सरकारी सेंटर आएगा, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट होम पेज पर आ जाएंगे। आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे
पीएम आवास योजना न्यू लिस्ट 2022-23 इस लिंक पर आप सभी को क्लिक करना है और नीचे आना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़कर स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है। सारा जानकारी जो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो आप सभी को यहाँ पर लिस्ट भी निकाल सकते हैं, पेमेंट भी चेक कर सकते हैं, एफटीओ ट्रैकिंग कर सकते हैं, कहाँ पर पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सारा का सारा लिंक जो यहाँ पर एक्टिव है, तो यहाँ से आइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपना वित्तीय वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड डालिए, आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा। आप जिस भी वर्ष का देखना चाहते हैं 2022-23 एवं 2021-22 2020-21 2019-20 यहाँ पर सारा का सारा लिस्ट जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चेक करना चाहते हैं या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सारा का सारा जो भी आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना रखा हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।